नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। इस वक्त मैं हूँ बिजली विभाग के कर्मचारी संघ के संग। वो इसलिए हूँ क्योंकि जल्द ही एक हड़ताल होने वाली है, जो कल रात से होने वाली है। गौर कीजिएगा, कल रात से एक हड़ताल होने वाली है, जो आपके लिए काफ़ी दुख भरी बात होगी। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ मिलने के लिए कि आखिर क्या वजह है, क्यों ये हड़ताल करने वाले हैं, क्यों हड़ताल करने वाले हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। शैलेंद्र दुबे, संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश। देखिए, हड़ताल हमारा लक्ष्य नहीं है, ना हड़ताल के लिए हम लालायित हैं। सबसे पहले ये बताइए, खाली यूपी में है कि पूरे देश में है कि खाली लखनऊ में है, ये है कहाँ? यह हड़ताल तो उत्तर प्रदेश की है, इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश का परिचय दिया। वैसे मैं पूरे देश के बिजली इंजीनियरों का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ऑल इंडिया पब्लिक फेडरेशन का चेयरमैन भी हूँ, लेकिन यह हड़ताल उत्तर प्रदेश में होने वाली है। और आपने प्रश्न पूछा, आप क्यों हड़ताल करना चाहते हैं? तो हड़ताल कर हम नहीं करना चाहते, हड़ताल के लिए हमें बाध्य किया जा रहा है, क्योंकि 3 दिसंबर 2022 को ऊर्जा मंत्री जी ने एक रिटर्न एग्रीमेंट किया है और अब उस रिटर्न एग्रीमेंट से प्रबंधन और सरकार मुकर रही है, तो हमें तो हड़ताल के लिए फोर्स किया जा रहा है। क्या क्या वजह? अब यह वजह तो वही लोग बता सकते हैं। वो यह कह रहे हैं कि इस पर हम एक कमेटी बना देते हैं, एडिशनल चीफ। हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं, वो बहुत एकदम आप साफ शब्दों में बताइए कि आखिर हड़ताल क्यों कर रहे हैं, ये वजह कोई नई मांग। आप समझिए, ये हमारे जो दर्शक हैं वो आम घर वाले हैं, वो लोग जानना चाहते हैं। कोई नई मांग हमारी नहीं है, कुछ हमारी मांगे थी जिन पर ऊर्जा मंत्री जी ने लिखित एग्रीमेंट किया। जी, क्या मांग? 3 दिसंबर 2022 को, जैसे एक सरकार की अपनी व्यवस्था है, यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जब तोड़ा गया था 2000 में, तब कॉरपोरेशन बनाए गए थे, कॉरपोरेशन कंपनी एक्ट के अंतर्गत बने हैं, और कंपनी एक्ट में जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अंतर्गत चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए एक कमेटी है और वह कमेटी चीफ सेक्रेटरी की है, लेकिन उसके हिसाब से चयन नहीं हो रहा है। हमारी मांग थी कि चीफ सेक्रेटरी की कमेटी के हिसाब से चयन किया जाए, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने 3 दिसंबर के समझौते में यह स्वीकार किया जो लिखा हुआ है कि इसी आर्टिकल के हिसाब से यह चयन प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र संपन्न कर दी जाएगी। अब इससे लोग मुकर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि हमें तो फोर्स किया जा रहा, मजबूर किया जा रहा है। मतलब जो चेयरमैन की नियुक्ति है उसको लेके आप हड़ताल कर रहे हैं? नहीं, हाँ, समझौते का क्रियान्वयन नहीं हो रहा, इसलिए हम हड़ताल कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। हाँ, चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर क्या मांगे हैं? बाकी और मांगे हैं, आप समझौते का वो ले सकते हैं। कुछ मांगे बता दीजिए हमारे दर्शकों को, जो एक आम नागरिक हैं, जो जिनके घर में बिजली आती है, बिजली कर्मी फील्ड में काम करते हैं जी, और बिजली का व्यवधान कोई जानबूझ के नहीं करता जी, कई बार बिजली का व्यवधान हो जाता है जी, और बिजली का व्यवधान होने पर जनता गर्मियों में खास करके सब स्टेशन पर आ जाती है, तोड़फोड़ भी होती है, बिजली कर्मी मारपीट भी जाते हैं। तो हमारी बड़ी मामूली सी मांग थी कि जैसे डॉक्टरों के लिए अस्पताल में मारपीट होती है, ऐसे बिजली कर्मियों के लिए भी, मतलब एक कानून बन जाए कि कोई हाथ न, जैसे डॉक्टर के लिए है, पावर सेक्टर एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट, गवर्नमेंट ने समझौते में लिखा है वो तैयार है और हम उसको लागू कर देंगे, लागू नहीं हो रहा है। जैसे कैशलेस इलाज जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को मिलता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, पीजीआई में, इन स्थानों पर जो है, पावर एम्प्लॉइज को नहीं मिलता, मतलब आपको नहीं मिलता है, नहीं मिलता। हमारी डिमांड थी, इसमें समझौते में लिखा है कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को कैशलेस इलाज मिलता है, उसी प्रकार से पावर एम्प्लॉइज को कैशलेस इलाज के आदेश या लिखा हुआ तत्काल जारी कर दिए जाएंगे, अभी तक नहीं हुए। और 3 दिसंबर के बाद आज आपसे मैं 15 मार्च को बात कर रहा हूँ जो है, इसलिए मैंने कहा बड़ी मांगे नहीं। देखा आपने, ये कुछ मांगे हैं जो कि इनके ही हित की नहीं, आपके भी हित की है। अगर मान लीजिए लाइन मैन है, उसके संग कोई घटना होती है या उसके संग कोई मारपीट होती है, तो कहीं ना कहीं वो लाइन जो है, जो लाइट है, आपके यहाँ भी नहीं आ पाएगी। तो ये जो मांगे हैं इससे भी नहीं की नहीं है, आपकी भी है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग एक कर्मचारी और हैं, लीडर भी हैं यूनियन के, इनसे बात करते हैं। ये जो अगर हड़ताल होती है तो आम नागरिकों कितनी दिक्कत होगी? देखिए, ऐसा है कि हड़ताल में जब कार बहिष्कार होगा तो निश्चित सी उपभोक्ताओं को तकलीफ होगी, और हम कतई हड़ताल करने के पक्ष में नहीं थे। हम इसीलिए हमने पूरा टाइम दिया, 3 दिसंबर 2022 में हमारा माननीय ऊर्जा मंत्री जी से समझौता हुआ है, 15 दिन का हमसे समय मांगा गया था, उसके बाद हमने कोई नोटिस तक नहीं दिया। लगातार जो है क्रश किया जाता रहा, उत्पीड़न किया जाता रहा, भय का वातावरण बनाया गया पूरी तरीके से, भयभीत करके कैसे काम लिया जाएगा।
मात्र 37,000 अधिकारी कर्मचारी और जूनियर इंजीनियर काम कर रहे हैं इस विभाग में। जैसे तैसे जो हमारे 60-65,000 संविदा कर्मी हैं उनके बल पे ये चल रही है व्यवस्था। जब हम भर्ती हुए थे सन 1988 में 1,10,000 अधिकारी कर्मचारी मैं रुकूंगा, ये हड़ताल क्या संविदा कर्मी भी करेंगे? संविदा कर्मी इस हड़ताल में इसलिए हैं कि उनके साथ बहुत ज़्यादा बाइफर्केशन हो रहा है। इसी उद्योग में जो सैनिक कल्याण से आया है संविदा कर्मी, उसको 24,000 रुपये सैलरी मिल रही है। तो ये भी मांगे हैं आपके? जी इसमें हैं। हाँ। और जो कार्यदायी संस्था रख रही हैं वो 8,000 रुपये दे रही हैं। और आप देखते होंगे हर महीने कोई ना कोई बेचारा शहीद होता है संविदा का आदमी, मात्र 5,00,000 रुपये कंपनसेशन मिलता है। आप ये बताइए कि जिंदगी, एक इंसान की ज़िंदगी की कीमत 5,00,000 रुपये है। आप यकीन मानिए कि जितना इस देश की हिफाजत करने में हमारा देश का सैनिक अपनी कुर्बानी दे रहा है, कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पे इस सूबे का जो संविदा कर्मी है और जो कर्मचारी है इस सूबे को रोशन करने में अपना पूरा जान लगाए पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके साथ मैं टोकूंगा आपको। ये बताइए, क्या ऊर्जा मंत्री से फिर आपकी बातें हुई हैं हड़ताल के पहले? हड़ताल से पहले अभी कल ही हमारी बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी ऊर्जा मंत्री जी से, और दो दौर की बात हुई, और अपने ही जो है वो समझौते को उन्हीं ने हमसे समझौता किया था, सरकार ने, हमने तो कोई ज़बरदस्ती समझौता किया नहीं था। और कल उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें पहला बिंदु छोड़ दीजिए जो क्या नाम है चयन वाला है, डायरेक्टर चेयरमैन डायरेक्टर का चयन जो है डायरेक्टर। अच्छा, का चयन हो रहा है, आप वो क्यों बदलना चाहते हैं, उसका क्या रीजन है? वो तो आपके यूनियन के मेंबर नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में ये कानून है बाकायदा, जब बाइफरकेशन हुआ था तो चेयरमैन, एमडी और डायरेक्टर चयन के माध्यम से आएंगे। तो डायरेक्टर का तो चयन हो रहा है लेकिन चेयरमैन और एमडी का चयन नहीं होता, सरकार की तरफ से लगा दिया जाता है जो उनके खास होते हैं। ये है कि योग्य लोग हमें चयन के माध्यम से आएंगे, तो निश्चित रूप से देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 3 नाम भेजे जाते हैं सेलेक्ट करने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी ही उसको सेलेक्ट करते हैं, तो वो भी सरकार ही के पाले में है। ये बताइए, क्या आप लोग मुख्यमंत्री जी से मिले? नहीं, मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई अभी हमारे लोगों की। तो क्या उसके पहले ही हड़ताल कर देंगे? नहीं, हम लोग तो अपील करते चले आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करें और इस हड़ताल को जो है जो हम कारण प्रस्तावित है ये ना हो जनता के हित में। पूरा आप लोगों ने सोचा है कि अगर मुख्यमंत्री इसमें इंटरफेयरिंग करेंगे हाँ तो हम लोग जरूर। तो आपने कोई सूचना भेजी उनके तक? अपील करते चले आ रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, हमारे माध्यम से ही कर रहे हैं। ये पत्र लिखे गए हैं उनको ऐसा है कि जेई संगठन की तरफ से, संघर्ष समिति की तरफ से उनको बार बार अनुरोध किया गया कि हमसे बात हो। चीफ सेक्रेटरी साहब ने हम लोगों को समय नहीं दिया। माननीय मंत्री, हमारे लिए मंत्री बहुत बड़ी तो बिल्कुल है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम आपको चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलवा रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन इनके आश्वासन के बाद उन्होंने कहा। माननीय मंत्री जी, आपको क्यों इतना टाइम इतना क्यों किलके है, आपका क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या रीजन लगता है? मुझे लगता है मंत्री के ऊपर कहीं से कोई दबाव है या उनके अंदर खाने की कोई जो किसी प्रकार की राजनीति। प्रशासनिक अफसर रहे हैं, वो विभाग के बारे में भी जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि वो किसी ऐसे ही आ गए हैं। लेकिन स्वयं कहते हैं कि मैं खूब जानता हूँ, मैंने वहाँ का एमडी का देखा है, बिल्कुल के विषय में बताते हैं कि मैंने वहां देखा है, इसका मतलब उनको इसकी नॉलेज तो बिल्कुल नॉलेज है। और नॉलेज के बाद कोई आईएएस जो रहा हो, जो यहां पर चुन जाए, मंत्री हो जाए, इतने बड़े लोगों के माननीय प्रधानमंत्री जी के वो साथ रहे हैं, मैं उनके किसी उसको आने लगता है कि ऊपर से कोई दबाव है उनके ऊपर, जो मैं उनके दबाव को तो नहीं जानता, लेकिन कोई चीज अंदर अंतर की उनकी कलह जरूर होगी कि आज वो अपने आपकी बातें नहीं सुन रहे, नहीं हमारे फैसले को नहीं, वो अपने द्वारा अपने दस्तखत किए हुए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अवनीश अवस्थी साहब बैठे थे, उस समझौते को वो डिनाई कर रहे हैं। अवस्थी जी तो आपके विभाग में रह भी चुके हैं, एमडी थे हमारे, एमडी थे और बहुत अच्छे आदमी, वो समझते हैं, उनसे आपकी कोई बात हुई? समझते हैं, उनसे बात हुई, वो उस वार्ता में बैठे, स्वयं बैठे, और उन्होंने हम लोगों की बातों में सहमति दी। हम लोग कोई ऐसी मांग नहीं मान रहे कि नई आ गई हो, जो हमको मिल रहा था। अच्छा, ऐसा लगता है क्या ये प्राइवेट करने के मूड में ये सब चीज़ें हो रही हैं? सारी चीज़ें नहीं, अब ये जो नीति है वो तो अंदर की होगी, उसके बारे में हम लोग तो कर्मचारी हैं। क्या बोल रहे थे, लगता है कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा है कि बिल्कुल निजीकरण करने जा रहे हैं जब ये NTPC को दे रहे हैं। मेरा यह आरोप है कि NTPC को देना ही ये आगे उनको। एक सवाल मेरा ये है, NTPC को क्यों दे रहे हैं, क्या रीजन?
एनटीपीसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आएगी जो हमारे विभाग के कर्मचारी हैं पीसीएल में, जब एनटीपीसी आपका उत्पादन क्षेत्र है, आप उत्पादन करते हैं, आपका एक विभाग है उत्पादन का, फिर एनटीपीसी को देने का क्या तुक बनता है? अब ये वहाँ अंदर का मामला क्या है कि उत्पादन में वहाँ का जो जमीन है मेरी है, वहाँ का जो पानी है मेरा है, और वहाँ सबसे सस्ती बिजली जो है उत्पादन निगम हम लोग दे रहे हैं प्रदेश में, तो ये सरकार का अंदर क्या सोचा है इसके बारे में हम नहीं बता सकते। क्या लगता है? मुझे सीधी बात लगती है ये निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सीधी नहीं, स्पष्ट रूप से निजीकरण करना चाहते हैं इस विभाग का, कोई आरोप की बात नहीं है, वो स्वयं कह रहे हैं। अगर ऐसा ना हो तो जिस पावर हाउस से हमको 3 रुपए की 2.65 रुपए की बत्ती मिलती है उनको क्यों देना चाहते हैं? निजी घरों घरानों को फायदा पहुँचाने के लिए ये सीधे किया जा रहा, इसमें आरोप प्रत्यारोप की कोई बात नहीं, उनकी मंशा इससे स्पष्ट हो जाती है। देख, ये बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, इनका सीधे तौर पे ये मांगे थी, आपके सामने मांगे आ गई हैं, और कुछ मांगे हैं जो कि इनके हित की नहीं आपके हित की भी है, सोचिएगा जरूर। आज का मुद्दा यही है, सोचिएगा कि अगर हड़ताल हो जाती है और कहीं बिजली कट जाती है, कोई दिक्कतें हो जाती हैं, तो कितनी कितनी दिक्कतें आपको होंगी, हम क्यों होंगी, सोचिएगा। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।